भारत को क्योंकि निर्माण की गई थी हमारे महात्मा गांधी ने जो त्याग दिया, इंदिरा गांधी जी ने जो अपना जान गंवाया, राजीव गांधी जी ने जो अपना जान गंवाया, यह वो भारत दे रहा है। निश्चित रूप से आने वाले दिन में जो राहुल गांधी का त्याग है इस देश के लिए एक बहुत बड़ा आपका मील का पत्थर साबित होगा। झारखंड में भी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। आज राजधानी रांची के शहीद चौक से लेकर उकर स्थित बिरसा मुंडा समाधि तक तमाम कांग्रेसी पद यात्रा कर रहे हैं। आप तमाम तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि कितना भारी संख्या में कांग्रेसी जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 2 महीने पहले ही हो चुकी थी और आज 101 दिन पूरे हो चुके हैं और ऐसे में आप देख सकते हैं कि तमाम कांग्रेसी एकत्रित होकर भारतवासी को संदेश दे रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के तमाम नेता, मंत्री, विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। वहीं मौके पर मौजूद विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो हमारे महात्मा गांधी, राजीव गांधी भारत को छोड़ गए थे, अब वह भारत नहीं रहा है, उसी को जोड़ने के लिए आज हम लोग यह यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस देश भर में राहुल गांधी के नेतृत्व में बड़ी लड़ाई लड़ रही है। केंद्रीय नेतृत्व ने जो कार्यक्रम दिए हैं उसमें सभी कार्यकर्ताओं को जुटना है। भीड़ भारत जोड़ो यात्रा में क्या कहेंगे? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे मीडिया बंधु बोल रहे हैं ये बात को कि ऐतिहासिक भीड़, ये बात सच है। हमने 101 दिन हो रहा है हमारे माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में ये जो भारत जोड़ो यात्रा निकल पड़ा है और इस भारत जोड़ो की यात्रा इसीलिए पड़ी क्योंकि जिस भारत को क्योंकि निर्माण की गई थी हमारे महात्मा गांधी ने जो त्याग दिया, इंदिरा गांधी जी ने जो अपना जान गंवाया, राजीव गांधी जी ने जो अपना जान गंवाया, यह वो भारत दे रहा है। जिस स्पीड में भारत बदल रहा है और गलत तरीके से बदल रहा है, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, और अभी सदन में भी इतने झूठ बोले जा रहे हैं बातों को छुपाने के लिए, चाहे वो चाइना का इन्वेशन को लेके हो, डॉलर की बढ़ती हुई वैल्यू को लेके हो, रुपीज की घटती हुई ये को लेके हो, तो इन सभी को मद्देनजर हुए देखते हुए लोग भी अब इस चीज को समझ रहे हैं कि केंद्र सरकार को अब भारत संभाला नहीं जा रहा है, ना उनके पास कोई नई योजनाएं हैं, ना नई नीति है। जो पहले थी, जो कांग्रेस के समय में बनाई हुई नई जो थी चीजें, उनको केवल बेच के वो किसी तरह से जो अपना रेवेन्यू सिस्टम है उसको सस्टेन करें। बहुत सारी बातें हैं, अगर मैं अभी शुरू करूं तो मुझे नहीं लगता ये कुछ मिनटों में खत्म कर बदलाव होगा। आप देख रहे हैं किस तरह से जनसैलाब जुड़ी हुई है, जहाँ जहाँ राहुल गांधी जी जा रहे वहाँ वहाँ माहौल बदल रहा है, हवा बदल रहा है। भले ये बात है कि मीडिया जो है नेशनल मीडिया है उतना कवर नहीं कर रही है इस न्यूज़ को, मगर ये बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। इनका सब सोशल मीडिया, मुझे लगता है ये सभी लोग देख पा रहे हैं कि किस हिम्मत से और किस जज्बा से ये यात्रा आगे बढ़ रही है। धन्यवाद। देखिए, हमारे देश के आदरणीय नेता राहुल गांधी जी विगत कई महीनों से भारत जोड़ो यात्रा पैदल यात्रा कर रहे हैं। देश की जो हालात है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी का आलम आप देख रहे हैं, संविधान के साथ जिस तरह से छेड़छाड़ किया जा रहा है, किसानों का मामला आप समझ रहे हैं पूरा, और नफरत का जो बीज बोया जा रहा है, ये तमाम चीज़ों को लेकर के पूरा जो हालात, जो देश का हालात है किसी से छिपा हुआ नहीं। और उसी के क्रम में हम झारखंड प्रदेश में भी जहाँ पर हमारा जो भारत जोड़ो यात्रा के तहत कई एक जिलों में जा करके यात्रा किया जा रहा है, आज महानगर में ये यात्रा किया जा रहा है रांची की राजधानी में, और आप देख रहे हैं जनसैलाब, लोगों का अपार जन समर्थन जो मिल रहा है। हमें निश्चित रूप से आने वाले दिन में जो राहुल गांधी का त्याग है इस देश के लिए एक बहुत बड़ा आपका मील का पत्थर साबित होगा, और लोग इस देश को बचाने के लिए लोग आगे आएंगे और हजारों लाखों की संख्या पूरे देश के लोग जुड़ेंगे, और आने वाला दिन 2024 में मोदी को निश्चित रूप से इसका आपका लोग यहाँ पर इसको जवाब देंगे। गांधी जी ने जो यात्रा की शुरुआत की कन्याकुमारी से कश्मीर तक, पूरे देश में यात्रा की लहर आपको देखने को मिलेगी। मैं गया था यात्रा में, इंदौर में उस यात्रा में सम्मिलित हुआ था, ऐसा उत्साह मैंने जीवन में कहीं नहीं देखा था। मतलब महिलाएं बच्चों को ले लेकर गोद में आ रही है, कूद रही है, धक्का मुक्की है, लेकिन एक आदमी का कष्ट समझ नहीं हो रहा है। राहुल गांधी की एक झलक के लिए लोग वहाँ खड़े थे। मुझे लगता है कि लोग बोलते हैं कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है, लोग नहीं, आप जाके देखिए यात्रा में और देखिए रांची शहर में इस यात्रा को, कोई बहुत मेहनत नहीं किया है, इस यात्रा के नाम से लोग यहाँ जुट रहे हैं।
हम लगातार हम लोग संगठन में काम करते आए, हमारे लोग भी और आम जनता का भी समर्थन है। बहुत सारे सामाजिक संगठन, बहुत सारे एनजीओ वाले लोग, जो क्षेत्रीय कलाकार, सब लोग आपको देखने को मिलेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।